Welcome to my channel, Basic of Cath Lab. Please like, share and subscribe the channel. Hi friends, मैं संदीप. आज हम जो टॉपिक लेके हैं वो है AVI फॉर्मेट के बारे में. AVI फॉर्मेट जो है, हम जो फिलिप्स का जो सॉफ्टवेयर आता है एक्सलेरा, उस पर कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं. नॉर्मली AVI फॉर्मेट हमें लगता क्यों है, जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता है या आप कोई टेक्नीशियन कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कुछ केस प्रेजेंट करना होता है, तो उसको वो कुछ इमेजेस होते हैं जो उसको JPEG फॉर्मेट में चाहिए होते हैं और कुछ रन्स होते हैं वो AVI फॉर्मेट में होते हैं जो PPT को वो सपोर्ट करे. तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि वो इमेजेस वो AVI फॉर्मेट कैसे बनाते हैं. तो चलो फिर देखते हैं AVI फॉर्मेट कैसे बनाते हैं. अपना जो वर्क सेशन है, वर्क सेशन में भी जो डेस्कटॉप है वहाँ पे आपको एक सिर्फ एक न्यू फोल्डर में जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको आपको जो भी नाम देना है, मैं अभी जैसे कि AVI उसका नाम देके रख रहा हूँ, तो ये मैं AVI यहाँ पे नाम देके रख रहा हूँ. उसके बाद जो भी आपका एक्सलेरा कैथ है, जो भी पेशेंट आपको सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पेशेंट्स हैं हमारे, तो हमने एक टेस्ट पेशेंट आपको ये करके रखा है, सिलेक्ट करके रखा है. और एक टेस्ट पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद ये आपका जो है टेस्ट पेशेंट है, तो इसको मुझे पहले ये जो है उसको मैं पॉज कर दूंगा. पॉज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, फाइल में जाके आपको इसको एक्सपोर्ट करना है. जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये पूछेगा यहाँ पे आपको कि सेव इन कौन से फॉर्मेट में. यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट है, आपको यहाँ पे AVI फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, एज वेल एज उस पेशेंट का जो नाम है वहाँ पे आपको फाइल नेम आपको 1, जैसे कि हमारा एक शूट है तो हम उसको 1 दे रहे हैं. और जहाँ पे ये जो पॉपअप स्क्रीन है बिट मैप की जगह पे, हम यहाँ पे देंगे AVI फाइल्स और उसको हम सेव करेंगे. जैसे ही हम सेव करेंगे वो पूछेगा आपको कि आपको कितने फ्रेम चाहिए. कभी कभी हमारे जो फ्रेम्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि 1 की जगह पे मैं 2 कर रहा हूँ और 9 की जगह पे मैं 8 कर रहा हूँ, तो ये जो फ्रेम्स है उसको मुझे इतने ही फ्रेम चाहिए 2 से 8, तो मैं यहाँ पे उसको ओके कर रहा हूँ. ओके करने के बाद फुल फ्रेम एक ऑप्शन आएंगे आपके पास वीडियो कंप्रेशन के, वहाँ पे मुझे जाके सिर्फ ओके करना है. जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको खोलेगा और वहाँ पे वो चला जाएगा. ये चला जाने के बाद आपने जो AVI फॉर्मेट का यहाँ पे बनाया हुआ है यहाँ पे वो आपका इमेज आ जाएगा, जो AVI फॉर्मेट में आपका ये इमेज चालू हो जाएगा. तो इसी तरह हम AVI फॉर्मेट बनाते हैं. अभी इसी तरह हम जो बनाएंगे JPG फॉर्मेट, जो हमें सिर्फ स्टिल फ्रेम चाहिए, तो वहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया. जो भी फ्रेम हमें चाहिए उस फ्रेम को हमने इसको सेव करके रखा है. वापस हम फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे. एक्सपोर्ट पे जाने के बाद AVI हमने रखा है फाइल, क्योंकि हमें उसी फोल्डर में चाहिए. और इसका हम देंगे इमेज, हम देंगे इमेज पे, और ये बिट मैं आपको निकाल के हम JPEG फाइल्स में उसको कन्वर्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे. तो जैसे ही हम सेव करेंगे हमारा जो इमेज है वो AVI फॉर्मेट का जो कि इमेज में आके इमेज की तरह सेव हो जाएगा. दोस्तों ये जो है वो AVI फॉर्मेट है और JPEG फॉर्मेट है, ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करते हो, तो उसकी वजह से आपका जो प्रेजेंटेशन एक इम्पैक्ट हो जाएगा और अच्छा सा आ जाएगा. ये हमने बाकी एक्सलेरा पे कैसे करते हैं, अभी इसी के साथ हम बताएंगे आपको कि डाइकॉम जो फिलिप्स का दूसरा सॉफ्टवेयर आता है डाइकॉम का MDC पे आप AVI फॉर्मेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे.